हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाइज। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ सभी कंपनियों के टैरिफ प्लान को मैं कंपेयर करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की कमेंट आ रही थी कि भाई मुझे सारी कंपनी के टैरिफ प्लान के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से कंपनी में मैं रिचार्ज कराऊँ, एयरटेल में कराऊँ या फिर आइडिया में या फिर वोडाफोन या जियो में। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि सारी कंपनी के मैं टैरिफ प्लान को जो न्यू लॉन्च हुई है उन सारी में टैरिफ प्लान के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में आपको फुल्ली इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कौन सी कंपनी की कितने की टैरिफ प्लान जो है न्यू प्लान जो लॉन्च हुई है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपको हेल्पफुल भी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल प्रेस करके, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नहीं मेरे पास टैरिफ प्लान की पूरी चार्ट सभी कंपनियों को मैं कंपेयर करने वाला हूँ कि किसकी कितनी की प्राइस की एनुअल प्लान, वन मंथ की प्लान, टू मंथ की प्लान और थ्री मंथ की प्लान आपको चारों सिम में एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और जियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लान में बात करने वाला हूँ प्रीपेड प्लान की मैं बात करने वाला हूँ। तो प्लान मैप मेरे पास आ चुकी है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ वन मंथ के प्लान। तो मैं सारे सिम के साथ में बताने वाला हूँ, सारे डिटेल्स के साथ, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको फिर डाउट जो है क्लियर होने वाली है। तो पहले मैं वन मंथ की प्लान की बात करता हूँ जिसकी आपको वैलिडिटी 28 डेज की मिलने वाली है किसी भी नेटवर्क पे। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं 1.5 GB डाटा की बात करूँ, 1.5 GB डाटा पर डे। तो इस 1.5 GB डाटा पर डे आपको लेने के लिए यहाँ पर आपको जियो में रिचार्ज कराना पड़ेगा 199 की, एयरटेल में आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा 248 और प्लस वोडाफोन और आइडिया की यहाँ प्लान रखी गई है 249। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग जियो टू जियो, आइडिया टू एयरटेल, आइडिया टू आइडिया, वोडा टू वोडा आपको फ्री मिलेगी और साथ ही आपको 1000 आपको मिनट्स मिलेगी अदर नेटवर्क के लिए। तो और 2 GB की प्लान की बात की है, 2 GB पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग, तो यहाँ पर आपको जियो में मिलने वाली 249 की, एयरटेल में मिलने वाले 298 की प्लान और वोडाफोन और आइडिया में आपको सेम प्लान 299। मतलब वोडाफोन आइडिया का प्लान जो है वो इन्होंने सेम रखा है। अब हम 3 GB पर डे डाटा डे की बात की जाए तो मतलब 3 GB डाटा को पर डे मिलेगी, इसकी प्लान जियो ने रखी है 349, एयरटेल ने रखी है 398 और वोडा और आइडिया की प्राइस है 399। मतलब मैं बोल रहा हूँ वोडा और आइडिया इन दोनों के प्लान जो है ना वो सेम रखी गई है, दोनों कंपनी रखी इन दोनों के प्लान जो है सेम रखी है। तो आपको अगर कुछ डाउट हो इस वन मंथ या अलग प्लान में तो आप मुझे कमेंट कीजिए करना, मैं वहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब हम चलते हैं 2 मंथ की प्लान की, जो कि 2 मंथ की प्लान आती है जिसकी आपको वैलिडिटी मिलेगी 56 डेज की। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको 1.5 GB डाटा पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग सिर्फ एयरटेल प्रोवाइड कर रही है आपको जियो प्रोवाइड कर रही है 399 रुपीज़ में, और एयरटेल और वोडा और आइडिया के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है 2 मंथ का। और एक और प्लान है 2 GB डाटा पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग जिसकी वैलिडिटी यहाँ पे आपको 56 डेज मिल जाएगी, इसकी प्राइस जियो ने रखी है 444। और अगर मैं बताना चाहूँगा, मैं कल रात में भी मैं लाइव आया था तो वहाँ पे मैं ये 444 की प्लान जो है ना वो अगर आप कल रात 12 बजे से पहले 444 की प्लान आप रिचार्ज कर लेते तो आपको 84 डेज की वैलिडिटी मिलती और पर डे आपको तो 2 GB डाटा पर अनलिमिटेड कॉलिंग आपको मिलती, जियो टू और अदर नेटवर्क पर आपको वही 6 पैसे पर मिनट, जो कि ये ऑफर कल रात तक थी। एक बंदे ने कल इस ऑफर को रिचार्ज नहीं करके उन्होंने 1:30 बजे या 2 बजे उन्होंने रिचार्ज किया तो उनके पैसे जो है वो कट गए, लेकिन उनको कोई ऑफर नहीं मिला क्योंकि ऐसा हुआ कि जियो की जो प्लान है वो कल रात 12 बजे के बाद से सारे प्लान जो शेड्यूल है वो चेंज हो गई थी, तो उनको काफ़ी लॉस रहना पड़ा जिसके कारण से उन्होंने 1700 समथिंग जो 1776 ऐसे कुछ प्लान आता है MRP के, तो उन्होंने ओवर रिचार्ज किया जिनसे उनको काफ़ी लॉस हो गया। तो अब हम चलते हैं 3 मंथ्स के प्लान की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको उसमें सेम आपको 1.5 GB डाटा पर डे प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग यहाँ पे आपको जियो प्रोवाइड कर रहा है 555 में आपको जियो प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर एयरटेल की बात की जाए तो एयरटेल आपको 598 में आपको एयरटेल प्रोवाइड कर रहा है 1.5 GB डाटा पर डे
और 84 डिस्केबिलिटी। और यहाँ पे मैं वोडाफोन और आइडिया की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 599 की आपको प्लान मिलने वाली है आइडिया और वोडा की। अगर मैं 2 GB डाटा पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग प्लस 2000 सेकेंड्स आपको फिर नेटवर्क के लिए जो मिलेगी, तो यहाँ पे इसकी जियो ने प्राइस रखी है 599 रुपीज़ की, यहाँ पे जियो ने प्लान रखी है। और आपको एयरटेल ने रखा है 698 का प्लान। तो एयरटेल का ये जो 2 GB डाटा पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग है वो आपको काफ़ी महंगा होने वाला है। यहाँ पे 698 का जियो एयरटेल ने प्लान रखा है। और वोडाफोन और आइडिया की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने 699 का प्लान रखा है वोडाफोन और आइडिया ने। तो ये थी 1 month, 2 month, 3 month की प्लान। अब मैं अफोर्डेबल प्लान की बात करता हूँ। अफोर्डेबल प्लान आपको पहले तो मिलती है 2 GB डाटा प्लस 1 month तक आपको 2 GB डाटा ही मिलेगी। मतलब आप पूरे 1 month में आप 2 GB डाटा ही यूज़ कर पाओगे, जिसकी जियो ने प्राइस रखी है और अनलिमिटेड कॉलिंग। तो मतलब कि 2 GB डाटा तो आपको मिलेगी, जिस 2 GB में ही आप पूरे मंथ आप यूज़ करोगे उस 2 GB को यूज़ करके, और आप अनलिमिटेड कॉलिंग तो मिल रही है। मतलब जिन बंदे को डाटा के यूज़ नहीं होते, उनके पास खुद का ब्रॉडबैंड है, खुद की वाईफाई कनेक्शन है, तो उनको डाटा लेके भी क्या फ़ायदा, उनके डाटा ऐसे भी वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, तो उन लोगों के लिए अफोर्डेबल प्लान जियो ने और एयरटेल और वोडाफोन सब ने निकाला है। तो यहाँ पे आपको 2 GB डाटा प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग 1 month के लिए आपको मिलेगी, जो कि जियो के प्लान है। तो यहाँ पर 129 के प्लान है जियो में। तो जियो आपको 129 में 1 month के लिए आपको दे रहा है 2 GB डाटा प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग। एयरटेल की बात की जाए तो यहाँ पर 148 के प्लान है एयरटेल में। और वोडा और आइडिया की बात की जाए तो वहाँ पे 149 के प्लान यहाँ पे वोडा और आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम करते हैं 3 months की प्लान। तो 3 months की प्लान जो है अनलिमिटेड कॉलिंग, 3 months के लिए आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हो एयरटेल, आइडिया, वोडा पे। तो ये तीनों में आपको चारों में आपको सारे सेम प्लान देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 6 GB डाटा को प्रोवाइड कर रहे हैं ये जियो, आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल। 6 GB डाटा आपको मिलेगी और साथ में आपको जियो की प्राइस यहाँ पर रखी गई है 329 का प्लान रखा है जियो ने। एयरटेल के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, एयरटेल ये आपको 6 GB वाला डाटा वाला प्लान एयरटेल नहीं दे रही है। और वोडाफोन और आइडिया आपको ये प्लान को प्रोवाइड कर रही है 379 रुपीज़ में। तो जी हाँ, आप सही सुने, वोडाफोन और आइडिया ने आपको 379 रुपीज़ की प्लान यहाँ पर रखी है। और मैं अफोर्डेबल प्लान जो ईयरली प्लान की बात की जो की जाए जो आपके 356 डेज की वैलिडिटी जो मिलेगी वो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको 12 महीने तक आपको 24 GB डाटा प्रोवाइड करेगा। सभी कंपनियाँ आपको 24 GB डाटा प्रोवाइड करेगा, मतलब कि हर मंथ आपको 1-2 GB डाटा मिलने वाली है। तो इसकी प्लान रखी है जियो ने और अनलिमिटेड कॉलिंग और प्लस आपको अदर नेटवर्क के लिए आपको 12 सेकेंड्स भी आपको देने वाले हैं। तो इसकी प्लान रखी है जियो ने, 1 year की प्लान जियो ने रखी 1299 का जियो ने प्लान रखा है इस अफोर्डेबल प्लान को एयरटेल ने रखी है फिर प्राइस 1498 भाई हिंदी में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आप वहाँ से ध्यान देना। 1498 का प्लान रखा है एयरटेल ने। और सेम प्लान आपको वोडा और आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं 1499। तो ये थी कुछ सारी अफोर्डेबल प्लान, आपको सारे को मैं डाउट जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये रही कुछ सारे प्लान जो कि आपको एयरटेल, जियो, वोडाफोन और आइडिया की मैं बात की जाए। तो यहाँ पे जो भी प्लान है जियो की प्लान तो मेरे को काफ़ी सस्ती लगी, जो कि अभी तक मैं सारे नेटवर्क की मैं पहली प्लान को मैं बात की जाए तो यहाँ पे जियो के प्लान जो है वो काफ़ी सस्ती लगी। और जिस जहाँ जहाँ पे मैं एयरटेल और आइडिया और वोडाफोन की बात की जाए तो यहाँ पे आइडिया और वोडाफोन से आपको एयरटेल थोड़ी सस्ती है, लेकिन एयरटेल की स्पीड भी आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। इसकी सफरिंग स्पीड जो है और डाउनलोड स्पीड की तो बात ही कुछ, और यहाँ पर 4 MBPS मैंने यहाँ पर करंट में इसकी स्पीड देखी है। और आइडिया और वोडाफोन की जो प्लान है वो सारे प्लान जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मेरे को नज़र आ रहे हैं। तो आप अगर आइडिया और वोडाफोन में आप रिचार्ज करवाओगे अगर आप, तो आप सबसे पहले ये चीज़ चेक कर लेना कि आप जिस लोकेशन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात बोला था
कि अगर आप जिस जगह पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, मान लो आप घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, या फिर और भी कहीं पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वहाँ पे अगर वोडाफोन और आइडिया के नेटवर्क अगर अच्छी है, वहाँ पे अगर आपको डाउनलोडिंग स्पीड 1 से 2 Mbps मिल जाती है, तब जाके आप इस जियो सॉरी वोडाफोन और आइडिया के सिम में आप रिचार्ज करो, वहाँ पे आप इस पूरे प्लान की आप मतलब क्या बोलते हो मज़े से उपयोग कर पाओगे। तो ये थी पूरी कंपैरिजन वीडियो, आई होप आपको वीडियो पूरी अच्छी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करो, मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो आई होप अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है sasif4410। तो जल्दी मिलता है कुछ नया फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।